नंबर चीज है जी, मैं तो हमेशा अपने पास रखा करूँ। कदे काम करते चोट पेट लगे एक बार फेरो और सारा दर्द छूमंतर जिगर आपका हो जाएगा। ए छूमंतर बस 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 ये देखो कमाल आप एक नंबर बढ़िया। कौन है ये? घर की नौकरानी है? मान लीजिए मेहरबानी मेहरबानी आपकी डॉक्टर हूँ जी। आप आज खातर मन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कहोगे। आप कमाल देखे इस जड़ी बूटी का, खुद मुझ जड़ी बूटी कैसा लग रहा है बता। अब हम आराम करेंगे। आराम तो जी करना पड़ेगा। ये अचानक खुजली क्यों शुरू हो गई? ये क्या हो रहा है इतनी खुजली? ये तो पूरे शरीर में होने लगी। डॉक्टर को बुलाओ कोई। गरीब क्या हुआ आपको? ये खुजली क्यों बढ़ती जा रही है? अरे कोई कुछ करो। क्या लगाया तूने? खुजली क्यों हो रही है इसको? अरे वो आंटी जी पता है कि जिसकी मोटी चमड़ी हो करे ना उन पे अलग असर करा करे। आप टेंशन ना लो ये मिट जाएगा। और दर्द आपका तो दर्द ठीक भी हो गया या चोट लगी या नहीं थी? चोट लगी ही नहीं थी। कहाँ की चोट? कहाँ की चोट? ले कहा था मैंने आपको कि ये इंसान इस घर में घुसने का बस बहाना कर रहा है। तो अब क्या करें नमाज जी? कहाँ चलें? घर में चलें या पुलिस के पास? अरे नहीं 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 अरे नहीं, कुछ भी हो घर के दामाद है। अरे दामाद दामाद बोल के सर पे जा रखा है। और ये जो ये ड्रामा है ये घड़ियाल के आंसू है इनके और आप इनके ऊपर भरोसा करते रहिए। बस करो देवा, बार बार ऐसे बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इनकी इज्जत के लायक भी तो नहीं है ये। तुमने तारा को जाने दिया, हमने कुछ नहीं कहा। एक माँ के लिए कैसी मजबूरी है देवा? बेटा मिला तो हम पति के साथ नहीं रह सकते। तुम्हें पता है एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी रहती है। तो चाहे वो हम हो क्या तारा, कुछ तो दाल में काला है। ये लीजिए हम लिट्टी ले आए। जी जी हम लोग साथ में मिलकर लिट्टी सेकेंगे। शायद ऐसा करने से फिर से हमारे रिश्ते मजबूत हो जाए। सही कहा ना अम्मा? बस एक कोई बात नहीं। देवा आज पहली बार इन्होंने कुछ सही सोचा है। तो एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, एक कदम तुम भी बढ़ा दो हमारे लिए। बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तुम्हारा बेटा है ना, अच्छे काम से पीछे थोड़ी हटेगा। अरे लिट्टी की सारी शेप बिगड़ी हुई है, तुम भूल गई हो क्या लिट्टी बनाना? लाओ मुझे दो।
गोल तो है सारे। तुम्हें लिट्टी बनाई है कभी? हमेशा तुमको बताना पड़ता है, मैं बना के देता हूँ। ये लो लिट्टी, इसे सेको। अरे लो ना यार, प्यार से सेकना इसे, ठीक है? बहुत प्यार से बना है। लिट्टी अंदर जाते ही बारूद से धमाका होगा और देवा का हाथ ही नहीं बचेगा, तब पता चलेगा मुझ पर हाथ उठाने का नतीजा। उल्टी गिनती शुरू। तो चल रहा है इनके दिमाग में, और क्या हम आते हैं? थाली में निकाल और डाल दे सब। यो इतना सा काम था के, ये तो मैं 5 मिनट में कर दूंगी, लाओ। देखते हैं। ऐसे नहीं करना है, उसको परात में निकाल, चम्मच से फैला, एक एक टुकड़ा अलग अलग। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम धूप में तो नहीं रह सकते। एक एक कर क्या क्यों डालना है पर? जैसा हम कहते हैं वैसा कर, चल शुरू हो जा। मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी तेज धूप हो रही है, मैं कैसे डालूंगी? तो लगने देना, बहुत समय है। अब तो ये जिद वाली बात कर रही हूँ ना मैं। शुरू हो जा बस। तुम हमारे बीच सब ठीक करना चाहते हो, पर ये तो तभी होगा जब हम तुम्हें माफ करेंगे। तो लो हमारे पांव पड़ो और माफी मांगो, और जूते उतार कर मांगना, वरना माफ नहीं करेंगे। इस कड़कती धूप में तो मोम भी पिघल जाए, तेरे चेहरे की पुताई कैसे नहीं पिघलेगी? माता रानी, पसीने की वजह से मेकअप उतर रहा है, अगर नानी मानी देख लिया तो।